This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू बिज़नेस टुडे, मैं हूं अली नासिर। जिन मौजूदात के पर रोज़ाना की बुनियादों पर गुफ्तगू होती है, बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैन अलावामी और मुकामी मंडियाँ, कुछ बात कर लेते हैं हम कैपिटल मार्केट्स की और उसके अलावा बात करते हैं जनाबे वाला हम सोशो इकोनॉमिक पोलिटिको इकोनॉमिक इशूज़ के ऊपर और थोड़ा सा मुख्तसर सा तज़िया करते हैं आज की अहम शह सुर्खियों के ऊपर। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आपको पता है मंडे के ऊपर रिवायती तौर पर, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट को हम कंक्लूड कर चुके होते हैं, तो आज के दिन फिर हम आगाज़ स्टॉक मार्केट से नहीं करते। मीडिया ने बहुत शोर मचाया और आपको पता है कि मीडिया का बहुत शोर शराबा रहा पीएसएल के मुतालिक, और मुस्तकिल पीएसएल के बारे में कल बात होती रही। ये हाइप तो क्रिएट की गई, ताहम मेरा दिल नहीं था यकीन करें कि मैं ये बात बोलूं आज, लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूँ क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से, यानी जो हर बंदा बात कर रहा होता है अली नासिर, उससे हमेशा हट के ही बात करता है। यह मेरी आदत भी है, यह मेरी ख्वाहिश भी है और यह मेरा तरीका कार भी है। मेरे ख्याल से कल के मैच की जो क्वालिटी थी, मैच क्वालिटी की बात करूं, बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी का मैच था, बिल्कुल बेकार क्वालिटी का मैच हुआ, बहुत ही जिसे मैं कहूंगा कि नाकारा कारकर्दगी। अगर कॉलेज की या स्कूल की टीमों को भी खिला दिया जाता तो शायद इससे ज़्यादा इन्जॉयमेंट होती। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई एम अ बिग क्रिकेट फ़ैन। आई हैव लेफ्ट वॉचिंग क्रिकेट ड्यू टू रिसेंट फेलियर्स ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट, लेकिन उसके बावजूद मैं क्रिकेट अगर मैच देखना शुरू कर दूं तो फिर मैं बॉल, हर बॉल देखता हूं, बड़े गौर से देखता हूं, देखता हूं कहां कहां क्या क्या हो रहा है। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह हाइप क्रिएट की गई थी कि गेम जमेगा, मैच खिलेगा, मेरे ख्याल से ये कुछ नहीं हुआ। सट्टा लगेगा, जुआ चलेगा और फिक्सिंग चलेगी, फैंसी चलेगा, तो इस तरह ज़्यादा सिलसिला चल रहा था। मुझे पता नहीं लोगों ने इस तरह से कहा, बहुत ही मैं कहूँगा कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकतन बात यह है कि बेहुदा क्वालिटी का गेम खेला गया। अगर पार्लिमानी तौर पर बोला जाए, कोई एक्साइटमेंट नहीं रही। जलमी की बैटिंग के दौरान भी बिल्कुल थर्ड क्लास बैटिंग, और पिच भी मेरे ख्याल ठीक नहीं थी, शायद ग्राउंड कंडीशंस, शायद प्लेयर्स ने रीड नहीं किए हुए थे, शायद इस वजह से, सिवाय अकमल के थोड़े से खेल से और सेमी के थोड़े से खेल से, उससे अलावा कोई नहीं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ था इससे, इसलिए आपको बता रहा हूँ। सेकंड बैटिंग के अंदर तकरीबन 10वें ओवर तक ये तय हो चुका था कि क्वेटा बुरे तरीके से हार जाएगा, वन साइडेड मैच है और लोग ग्राउंड में बैठे हुए थे, लेकिन बस ऐसे ही, जिसे कहते ना हम लोग, ऐसी बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने लोग बैठे हुए थे। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, बहुत शर्मनाक बात है, समझना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये बिक गई है गवर्नमेंट, उसकी माजरत के साथ ये लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि देखें, आपने इतना बड़ा मैच करवाया, सारी दुनिया देख रही, वर्ल्ड इमेज, सॉफ्ट इमेज, ये वो, और गो नवाज़ गो के नारे लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल कुछ अकल के नाखून लेने चाहिए थे। मेरे ख्याल नजम सेठी साहब को भी पहले पता होना चाहिए था कि ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन नहीं है कि जहाँ पर अपने मर्ज़ी का काम किए जा सकते हैं। ये क्रिकेट का मैच है, दुनिया इसे देख रही है, बहुत ही ज़्यादा दुनिया के अंदर हमारा नेगेटिव इमेज गया होगा, बहुत ही ज़्यादा हमारे मुल्क का ये इमेज गया होगा कि गवर्नमेंट से लोग इतने गैर मतमईन हैं, और गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही है कि हमने मैच करवाया, हमारी वजह से हुआ है, असा कराया जी, असी शेर ने, क्या शेर, उस शेर की जिसकी जंगल में इज्जत ही ना हो। लाहौर के ग्राउंड के अंदर गो नवाज़ गो के नारे लगे, मीडिया ने पैसे लेकर दबा दिए, कोई बात नहीं, मीडिया का काम ही आजकल पैसे लेकर चीज़ों को दबा देना है, एंकरों का काम ही ये आजकल पैसे लेकर चीज़ों को दबा देना है, लेकिन सोशल मीडिया हमारा साथी है। मार जुकरबर्ग साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, फेसबुक के तवस्सुल से हर घर में ये वीडियो गई और मेरे ख्याल से बहुत ही जग हंसाई हुई। मेरे ख्याल ये, खैर बात और भी की जा सकती थी, मैं सिर्फ इतना ही मुख्तसर कहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आप ख़ुद फ़ैसला करें, आप ख़ुद ही खुद खुश हो रहे हैं। एहसन मेहनती साहब जो कि आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के सरबराह हैं, उनके साथ बात करते हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, बुनियादी तौर पर आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ी आपको मुबारक भी दे दूँ, मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेम्बरों को पैसे मिल जाएंगे, और लेकिन जुमे की तारीख को मैंने सुना है कि पैसे एस्क्रो अकाउंट में पहुँच गए हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कि पहले मेम्बर्स कहलाते थे, वो अब मेन बेनिफिशरीज़ हैं, सबको तकरीबन 4 करोड़ मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल ये पैसे आ गए हैं, मैं चाहूँगा इसके लिए आप लोगों को मुबारक भी दूँ और साथ में ये भी कहूँ कि आप इसकी थोड़ी तफसील भी बताएं।
لیکن یہ کچھ فنڈز تو ظاہر ہے اسکرو اکاؤنٹ میں اور اس کے بعد کچھ اور اکاؤنٹوں میں جو ظاہر ہے ڈسبرسمنٹ کے لیے بھی ٹرانسفر ہو چکے ہیں. اب ریسیٹ آئی بلیو کہ اب تک نہیں ہوئی ہے, بٹ ظاہر ہے اگر کچھ دو تین دنوں میں ممبرس کو ریسیو ہوتے ہیں فنڈز تو تین سے چار دن کے اندر 9 تقریباً بلین کچھ پیسے چھوڑ کے آئی بلیو کہ یہ ظاہر ہے کیپٹل مارکیٹ کے لیے انویسٹمنٹ کا ایک فنڈ بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. نئے فنڈز کیپٹل مارکیٹ میں جب آتے ہیں تو سرٹنلی مارکیٹ کو بھی سپورٹ ملتا ہے اس کا, تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ منڈے سے جو ہے کچھ فریش فنڈز مارکیٹ کے اندر بھی آئیں اور مارکیٹ کو سپورٹ جو ہے نئے فنڈز جو ہے ان کے آنے کے بعد جو ظاہر ڈیویسٹمنٹ کے بعد موسٹ پرابلی مارکیٹ کے اندر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. نئے انویسٹرز جو ہیں وہ مارکیٹ میں نئے فنڈز داخل ہوں گے اور ظاہر سپورٹ مارکیٹ کو ملے گا. اچھا یہ آپ نے جو نئے فنڈ کی بات کی یہ مجھے بڑی اٹریکٹ کی ہے, مجھے یہ بتائیے گا یہ ان کی مطلب ان کی اوریجن کہاں سے ہے؟ یہ بیسیکلی چائنا سے ایمرج ہوتے ہوئے ہیج فنڈز ہوں گے یا پھر یہ بین الاقوامی سطح کے بہت سارے ہیج فنڈ یا فنڈز ہوں گے؟ نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے جو ممبرز کو, اچھا وہ اس فنڈ کی بات, انویسٹر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ پیسہ کیونکہ ظاہر ہے اتنی اٹریکٹیونیس جو ہے وہ ہمیں دیگر انویسٹمنٹ پروڈکٹس میں نظر نہیں آتی ہے تو موسٹ پرابلی یہ فنڈ جو ہیں کیپٹل مارکیٹ میں لگیں گے. اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فنڈز موصول ہوئے ہیں یہ دوبارہ سے مارکیٹ کی جانب آ سکتے ہیں اور مارکیٹ میں مزید تیزی دکھائی دے سکتی ہے, آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, یہ ایکسپیکٹیشن تو یہ ہے کہ یہ فنڈ جو ہیں ایک یو نو کیونکہ ظاہر ہے یہ فنڈ ان کے پاس مارکیٹ پارٹیسپینٹس کے پاس آ رہے ہیں جن کا ذریعہ ہے معاش جو ہے وہ پروپرائٹری ٹریڈنگ رہا ہے, تو آئی تھنک کہ یہ فنڈ جو ہے یہ مارکیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کا ایک بہت میجر رول دیکھا جا سکتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کچھ فنڈ جو ہے وہ ہم جون میں بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جب آئی پی او نئے آئی پی او جب اناؤنس ہونے لگیں گے, اور پھر ظاہر ہے مزید ڈیویسٹمنٹ بھی پی ایس ایکس کی ایکسپیکٹڈ ہے یو نو ود ان اے کپل آف منتھ, تو آئی بلیو کہ یہ ایک اچھی ڈیویسٹمنٹ جو ہے کیپٹل مارکیٹ کا سپورٹ رہے گا. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اچھا دوسری جانب آپ کو اس طرف لانا چاہوں گا کہ بیچ میں مارکیٹ میں ایک انیملی سی کریٹ ہو گئی, بین الاقوامی مارکیٹ ریکارڈ بناتی رہی لیکن پاکستان کی مارکیٹ وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے پچھلے ہفتے میں اور اس سے پچھلے ہفتے میں تھوڑی دیر کے لیے دباؤ میں آئی تھی پاناما کے فیصلے کی وجہ سے, لوگوں کا ایسا کہنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پاناما کے فیصلے تک مزید کوئی قیاس آرائی کر رہی ہے مارکیٹ, کوئی ذہن میں کوئی سوچ ہے, یا پھر یہ ہے کہ اب حالات جو ہیں وہ ریلیٹیولی ریلیکس ہو گئے ہیں؟ دیکھیں آئی تھنک کل کی جو پی ایس ایکس یہ جو پی ایس ایل کی ڈیولپمنٹ ہے یہ آئی بلیو کہ کچھ لوکل انویسٹرز کا جو اطمینان ہے اکانومی پہ, پھر کچھ پولیٹیکل جو انسرٹنٹی تھی وہ بھی مور لیس کل پی ایس ایل کے ایونٹ کے بعد جو ہے وہ اکنامک انسرٹنٹی پولیٹیکل انسرٹنٹی تھوڑی کم ہوئی ہے, تو اس حساب سے یو نو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ لوکل انویسٹرز اکانومی پہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ترجیح اس کو دیں گے. بٹ اس سال اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 2.5% مارکیٹ جنوری سے اب تک جو ہے وہ انکریز بھی ہے, رائز بھی ہے, تو میرے خیال سے یہ تو پھر کوئی جو ہم ٹاپ 5 یا 4 مارکیٹس میں آ رہے تھے دنیا کی, اب ہم یہ کوئی 14th مارکیٹ بن چکے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے دنیا کی مارکیٹ جو ہیں ایون یو ایس مارکیٹ جو ہیں تقریباً 6 سے 7% جو ہے وہ جنوری سے اب تک جو ہے بڑھ چکی ہیں. اب ہم تیسرے مہینے میں یو نو داخل ہو چکے ہیں لیکن ہماری اب رینکنگ جو ہے گلوبل رینکنگ جو ہے وہ 4 سے 14-15 مارکیٹ پہ آ گئی ہے. بہت ساری ایسی انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں جنہوں نے بہت اچھی پرفارمنس اس ایئر دی ہے اسٹارٹنگ جنوری, تو آئی تھنک کہ اب ایک چیلنج بھی رہے گا دوبارہ ایم ایس سی آئی یو نو ایمرجنگ مارکیٹ کے اندر جب ہم آئیں گے تو فریش فنڈس بھی آئیں گے, کچھ ڈائیویسٹمنٹ بھی ہم نے دیکھی تھی کہ گلوبل انویسٹرز کی طرف سے اس سال رہی ہے اور جو ڈائیویسٹمنٹ ہے سرٹنلی وہ مارکیٹ کو تھوڑا بہت امپیکٹ کرتا ہے. اچھا یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں صحیح, لیکن میں اتفاق سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا تو میں نے ڈویڈنڈ ییلڈ کچھ اسٹڈی کی ہیں مارکیٹ کی, تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیئرز بہت زیادہ اوور پرائسڈ ہیں اور اب اور گنجائش شاید نہ ہو کیونکہ ڈویڈنڈ ییلڈ اتنی کم نکل رہی ہے بائی پرسنٹیج کہ اٹ از میکنگ انویسٹمنٹ ان سرٹن شیئرز ویری ویری ان اٹریکٹیو, ایسا میرا خیال ہے کیونکہ میں بھی اخبارات وغیرہ میں ہی دیکھتا ہوں اور ڈیٹا کیونکہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو اکیومولیٹ کر کے پھر اسیمولیٹ کر کے ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن ڈویڈنڈ ییلڈ بہت کم جسے میں کہہ سکتا ہوں دکھائی دے رہی ہے, اس کے کوئی اثرات؟ جی ہاں, ڈویڈنڈ ییلڈ تو بہرحال تھوڑی سی کم ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے گلوبل
सिनेरियो को अगर देखा जाए तो दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड्स अभी भी पाकिस्तान मार्केट ऑफर कर रही है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि दिसंबर के जो पे आउट्स थे अगर आप कंपेरेटिव कंपेयर करें अर्निंग्स के साथ तो पे आउट्स इतने मजबूत नहीं रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी हमने देखा है कि पे आउट्स या फाइनेंशियल सेक्टर में पे आउट्स इतने इंप्रेसिव इस क्वार्टर के अंदर या जो दिसंबर एंडिंग रिजल्ट समय आए, बट अभी भी जो पाकिस्तान मार्केट है वो वन ऑफ द टॉप मार्केट्स हैं दुनिया की जिसमें डिविडेंड यील्ड्स जो है वो सबसे ज्यादा होती है। और उसकी एक वजह इकोनॉमिक रीजन भी है, जो जहां पे आपको इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी नजर आती है वहां पर हमें डिविडेंड यील्ड्स बेहतर नजर आती है। तो आई थिंक ये कोई अच्छी साइन अच्छी डिविडेंड यील्ड होना नहीं है। उसकी वजह यही है कि नॉर्मली कंपनी जो है एक्सपेंशन के लिए अपने पैसे को इस्तेमाल करती है और उसके बाद डिविडेंड जो होते हैं वो जाहिर है उसके पे आउट रिलेटिवली कम देखे जाते हैं। बोनस शेयर्स का भी इशू था कि उस पर टैक्सेस लग रहे थे तो बोनस शेयर्स भी इतना ज्यादा अनाउंसमेंट उनका नहीं हो रहा, बट कैश जो डिविडेंड्स हैं उनका आना कोई बहुत मुस्बत बात वैसे भी नहीं है एक इकोनॉमी के लिए। अच्छा, खैर मैं इस पर कोई राय दूंगा नहीं ये बात, लेकिन आपकी जो है वो वजनदार ज़रूर है कि एक्सपेंशन की जानब भी कुछ कंपनीज जो है वो जाना चाह रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कमोडिटी मार्केट की जानब ले आऊँ। मुस्तकबिल में लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या कमोडिटी मार्केट का कोई पोटेंशियल दिखाई देता है, क्योंकि बीच में लोगों को जोट लगा तो काफ़ी नुकसान हुआ, फिर अब चूँकि कीमतें जो हैं उनके अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि बेहतरी आएगी, तो आपको लगता है कमोडिटी मार्केट की तरफ तवज्जो बढ़ेगी? अब देखिए, आई थिंक कि जो गोल्ड एज अ कमोडिटी है अगर हम देखें तो वो 10% इस साल के अंदर जो है अब तक बढ़ चुका है। वो जाहिर है जिन जिस टाइम में जो स्टॉक मार्केट हमारी है वो तकरीबन 2.5% बढ़ी है, उसी टाइम के अंदर गोल्ड में 10% एप्रिसिएशन आए। एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ग्लोबल ले लें, जब ट्रंप गवर्नमेंट ने जो है वो टेक ओवर किया उसके बाद गोल्ड प्राइसेस को हमने बढ़ते हुए देखा, और फिर इस साल जाहिर है जो एप्रिसिएशन गोल्ड का है 2 महीने में 10%, वो आई बिलीव कि किसी बॉन्ड मार्केट का 2 महीने में ये रिटर्न नहीं है। स्टॉक मार्केट भी ग्लोबल अगर हम देखें तो काफी ऐसी मार्केट्स हैं ग्लोबल जिनको गोल्ड एज ए कमोडिटी ने बीट किया है। तो दोबारा सर्ज हमने नजर आ रहा है कमोडिटी प्राइसेस के अंदर, और उसकी वजह यही है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, और इसके अलावा चाइना एज ए कंज्यूमर जो है उसका डेटा दोबारा से इम्प्रूवमेंट की जानिब जो है वो जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जहन अब क्या कहता है कि नेक्स्ट, अंदाजन ऐसे ही, नेक्स्ट आपके ख्याल से गोल्ड की क्या मंजिल है, ऑयल की क्या मंजिल है, कुछ आपने जहन में कुछ नंबर सोचा हुआ है या बैनल अक्वामी सतह पर एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का जो व्यू है वो इसी तरफ है कि जो फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसीज हैं वो इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज की तरफ जो है वो अब फोकस करेंगी, और जाहिर है जेनेट येलन जो है फेडरल रिजर्व की चेयरमैन उनकी तरफ से कुछ इंडिकेशन रिसेंटली आई हैं कि जो बतजरीज जो है वो हमें इंटरेस्ट रेट यूएस के बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसके नतीजे में यूएस डॉलर एज अ करेंसी जो है उसमें अप्रिसिएशन देखा जाएगा। अगर यूएस डॉलर में अप्रिसिएशन देखा जाता है तो वो कमोडिटीज के लिए थोड़े डल साइन नजर आता है, और जाहिर है उसमें हमने देखा है कि कुछ अर्से में पिछले कुछ एक आध वीक में गोल्ड प्राइसेस के अंदर थोड़ी बहुत जो है वो डिप भी इस स्टेटमेंट के बाद देखी गई है। तो आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड जहाँ पे यूएस डॉलर जो है उसकी कदर बढ़ेगी उसके साथ हम देखेंगे कमोडिटी प्राइसेस के अंदर प्रेशर जो है वो रहेगा। बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो चाइना एज अ कंज्यूमर जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा कमोडिटी प्राइसेस। अच्छा, डू यू स्टिल फील देन पीपल शुड लुक अप टू और लुक टुवर्ड्स गोल्ड? आई थिंक ये एक अच्छी कमोडिटी है, बट सर्टनली इस पे कुछ प्रेशर कुछ आने वाले वक्तों में नजर आएंगे, और जिसकी वजह वो यही है कि यूएस डॉलर एज अ करेंसी जो है उसकी अप्रिसिएशन अब देखी जा रही है पिछले एक आध हफ्ते। आपका बहुत शुक्रिया जनाब एहसन मेहनती साहब, आप हमारे साथ शो में शामिल गुफ्तगू रहे। नाज़रीन, हमने एहसन मेहनती साहब के साथ गुफ्तगू की और कुछ चीज़ें हमने अहम जो हैं वो उनसे पूछ ली, स्टॉक के मुतालिक भी, कमोडिटी के मुतालिक भी। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू को जो है वो तफसीली तौर पर जारी रखेंगे। कुछ मैं इस चीज़ पर भी रोशनी डालूँगा, असल में हमेशा आईने का दूसरा पहलू भी आपको दिखाता हूँ, और आईने का दूसरा पहलू देखना ज़रूरी भी है, लेकिन इसका ये माने नहीं कि नेगेटिविटी है। खुद ही हम खुश हो गए, घर में दावत हो जाए तो इंसान वैसे ही थोड़ा सा जो है वो अप हो जाता है, इसी तरह PSL जो है उसकी वजह से भी थोड़े से अप हो गए, तहम मैच की क्वालिटी थर्ड क्लास थी,
उसके बारे में मुख्तसरन बिल्कुल बात करेंगे और ये भी बताऊंगा किस तरह से अब पैसा वापस पीएसएल से पीएसएक्स के अंदर इस हफ्ते में देखने को आएगा, क्योंकि पीएसएल के ख़त्म हो जाने के बाद फंड्स मिल जाएंगे और वो फंड्स दोबारा से फिर पीएसएक्स में लगेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे थे हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी, कुछ कमोडिटी मार्केट के ऊपर भी। इस हफ्ते शायद आपको पीएसएक्स में निस्बतन बेहतरी लगे अगर कोई सियासी प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि पीएसएल के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया गया है और पीएसएल का कमाया हुआ पैसा जो है वो अब पाकिस्तान वापस आएगा। ज़ाहिर बात है दबा के लोगों ने पैसे कमाए इन मैचों के ऊपर, दिखाई दे रहा था खेल से कि कितनी गड़बड़ें हुई हैं। अब देखिए आखिरी ओवर के अंदर एक मैच के अंदर बॉलर ने दो वाइड बॉल करा दी मुस्तकिल, तो ये बेसिकली ऐसे भी मुमकिन हो सकता है कि ये फैंसी फिक्सिंग का केस हो। इन दो बॉलों के अंदर उन्होंने शायद पूरे मैच से ज़्यादा पैसे कमा लिए हों, ऐसा मुमकिन है, लोगों ने कमाए होंगे। अब ये पैसे जाएंगे कहाँ, जाहिर बात है ऐसा भी कहना हमारे फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है कि जो इसके ऑफिशियल जिनके पास स्ट्रीमिंग राइट्स थे cricketgateway.com, ये कहते हैं इंडियंस टॉप द लिस्ट विद 28.22%। तो इंडियंस तो हमारे प्रोग्राम तक नहीं देखना पसंद करते, हमारे क्रिकेट मैच क्यों देख रहे हैं, जाहिर बात है सट्टा इंडिया में भी बहुत लगा है। शाहिद जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ अब शामिल है गुफ्तगू होंगे, वेलकम करता हूँ आपको शाहिद जावेद कुरैशी साहब। थैंक यू सर, वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल गुफ्तगू में कुछ जुज़वी तौर पर तो आपने सुना होगा कि क्या बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन खैर मैं फिर भी आपको इसकी जानिब लाना चाहूँगा। दरअसल कल बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की, जाहिर बात है मीडिया को हुकूमत से पैसे बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, तो दे आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू शो द एज इफ वन सिंगल इवेंट इज़ गोइंग टू चेंज पाकिस्तान इमेज, ऑब्वियसली एवरी वन वॉन्ट्स टू टेक क्रेडिट फॉर दैट। माई ओन ओपिनियन वॉज द सेम एज वन ऑफ द पोलिटिकल लीडर्स इन पाकिस्तान दैट वी शुड नॉट हैव स्पेंट सो मच मनी ऑन ए लोकल स्पोर्टिंग इवेंट, Instead, we should have done something else which would have boosted the image of this country. However, कोई भी बात नहीं, अगर लोग खुश हुए, अच्छी चीज़ हुई, अच्छा हुआ, हमारा मुल्क जो है वही आगे बढ़ा, उसका नाम बेहतर हुआ, और अपने घर के अंदर जब लोगों का मोरल बढ़ेगा तो फिर बैन अलावामी सतह पर भी उनका मोरल बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ सर, इन्फ्लेशन के टॉपिक को थोड़ा सा आपके साथ छेड़ना चाहूँगा। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है लोग बोल रहे हैं कि नहीं हो रही, इंडस्ट्री के बाद के ऊपर तो मैं सेकेंडरी तौर पर आता हूँ। मेरा ऐसा ख्याल है, मैंने सर्वे किया, लोगों से पूछा, महंगाई बढ़ने की शरह अपनी जगह मौजूद है, महीने के सौदे महंगे हो रहे हैं, सब्जी तरकारी महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट मुस्तकिल दावे कर रही है कि महंगाई काबू में आ गई। अगर ये महंगाई काबू में नहीं आएगी तो इसका जो आउटफॉल है वो जाएगा, फॉल आउट जो है वो डायरेक्टली जाएगा इंडस्ट्री के ऊपर, इसके बारे में अपनी राय दें जी। इसमें यह है कि गवर्नमेंट चूंकि अपनी कुछ पॉलिसीज बनाई होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराना होता है और अपने आप को बेहतर शो करना होता है, तो वो कुछ चीज़ें तो बेहतर हो रही होती हैं उसको करती हैं, मगर उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी जो बेहतर नहीं होती हैं उसको भी हाइप क्रिएट करके दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं कि ये बेहतर हो रही है। लेकिन जिस मुल्क के अंदर 3 दफा 1 महीने के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जाए, बिल्कुल सही बात है, तो वहाँ कैसे मुमकिन है कि चीजें महंगी नहीं होंगी। यू आर करेक्ट। और जबकि दुनिया में प्राइसेस स्टेबल रहती हैं, अगर वो बढ़ाते या कम करते हैं तो एक टाइम पीरियड होता है, 1 महीने के अंदर 3 दफा पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ती है। अब जब आपने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई है तो इसका इम्पैक्ट लामहाला सारी चीजों पे पड़ता है, और ये गलत कह रहे हैं कि वो महंगाई इन्होंने रोक दी है, कम कर दी है, कोई कम नहीं हुई है। और उसके अलावा जब रॉ मटेरियल फिर महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, आपका फ्रेट जो है वो महंगा हो जाता है, तो जहर है चीजों के ऊपर, फिर इंडस्ट्री के ऊपर तो उसका असर पड़ता है। ये बढ़िया, जब अच्छी चीज होती है तो हम लोग कहते हैं कि अच्छी चीज है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दूसरी चीज पे बेनिफिट देने के लिए तो एक तरफ वो बेनिफिट दे देते हैं कि जी हमने ये कम कर दिया, दूसरी तरफ पैसे बढ़ा के हिसाब पूरा कर लेते हैं। सर कॉम को पीएसएल में लगा के पीछे पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दो, इसकी कीमत भी बढ़ा दो, उसकी कीमत भी बढ़ा दो, हमारे लोगों का पूछते नहीं। एक सवाल आया रोमेल दादा साहब का, बोल रहे सलाम सर, पीएसएल फिनिश, पानामा स्टार्ट, आई थॉट इसहाक डार विल टेक क्रेडिट फॉर पीएसएल बट सेट ही हैव द क्रेडिट। तो मैंने कहा कि मैं आपसे भी पूछ लूं जी, हर चीज का क्रेडिट हर कोई लेने की कोशिश करता है जी। लेकिन ये एक इवेंट हुआ, मैं कहता हूँ अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज है, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उस दौरान में अगर ये इवेंट हुआ बहुत अच्छा है, मगर ये है कि क्या ही अच्छा होता कि गवर्नमेंट अगर इस मैच को ओपनली ऐसे कराती
इतनी सिक्योरिटीज नहीं होती, तो हालात ऐसे बेहतर होते तो क्या बात थी। और हम अभी मतलब गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मैच ऐसे हो जैसे नॉर्मली होते हैं। सर इकोनॉमिक कॉस्ट भी तो देखे ना, 15,000 पुलिस लगा दी, 5,000 फौज लगा दी, 3,000 वो लगा दी, तो इतना इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है ना सर, इन सब चीजों की कॉस्ट है, ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। देखे ना, दो बंदों को घर के बाहर बंदा खड़ा करता है सिक्योरिटी के लिए, उसकी कॉस्ट आती है। जब आप हजारों जितना क्राउड था, लोग कुछ लोगों का कहना ये जितना क्राउड था उतनी सिक्योरिटी थी, तो मेरे ख्याल इट वाज वेरी एक्सपेंसिव जेस्चर, मेरा ऐसा ख्याल, बहुत एक्सपेंसिव था। और दूसरी चीज ये कि इवेंट हुआ, हम ये कहते हैं अच्छी चीज है, मैं उस पर नहीं जाता, मैं खुद कहता हूँ अच्छी है, आवाम के लिए बेहतर है, मुल्क के लिए अच्छा है। और जो लोगों ने इस वक्त मुल्क के हालात पैदा कर रखे थे, उनको भी ये मैसेज गया कि ये हम इतना बड़ा इवेंट कर सकते हैं और हमें कोई डर खौफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैं ये कहता हूँ कि आपकी इंटरनल अपनी चीजें इतनी बेहतर होनी चाहिए कि ये इवेंट ऐसे होने चाहिए, और एक नहीं होने चाहिए ऐसे, मैं कहता हूँ हफ्ते में, 15 दिन में, महीनों में होने चाहिए ये इवेंट। तो वो ऐसा आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपकी इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो इतना बेहतर होना चाहिए कि ये चीज हो ही ना सके, किसी को जरूरत ही ना हो ऐसा कर सके। शायद साहब, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ श्रीलंका की। जी जी, श्रीलंका में देखें 30 साल वॉर रही, अब वहाँ देखे हालात कैसे, आखिर कंट्रोल हो गया ना, लेकिन वहाँ मैच भी होते हैं, फॉरनर भी आपको पता है मिलियन की तादाद में आ रहे हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, और पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट अगर सिंसियरली, और अपोजिशन हमारे सारे हमारे लिए मोहसिन है, मोतबर है, मैं कहता हूँ अगर मिल के एक तहिया कर ले कि इस मुल्क को हमने बेहतर करना है, तो मैं कहता हूँ कोई हो ही नहीं सकता कि मुल्क बेहतर ना हो। शायद साहब लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, तो उससे सफर कौन करता है, हमारी इंडस्ट्री, हमारे लोग। मुंह की बात छीन ली आपने मेरी। मैं एक बात आपको बताऊं, असल में इतने साल हम लोग नफरत के बीज बोते रहे हैं शायद साहब, मैं खुद हैरान होता हूं। इंसान मोहब्बत करना चाहता है, इतने हमने नफरत के बीज बोए हैं कि अब हम नफरत की फसल काट रहे हैं। हमने दुनिया को गालियां बकी हैं, सारी दुनिया को गंदा कहा है, सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें करती है, सब गंदे हैं, पता नहीं और क्या, ऑल फॉल पाक स्टडीज़ की किताबों के अंदर हम दुनिया को कहते रहें, इस्लाम के अलावा दीगर मजाहिब के मानने वालों पर उंगलियाँ उठाते रहें, तो हम लोग ज़ाहरी बात है फिर नफरतों का फल ही काटेंगे, नफरतों की फसल काटेंगे। लेकिन कल आपने देख लिया कि कौम मोहब्बत चाहती है, कौम चाहती है अमन चाहती है, कौम बड़ी डिप्राइव्ड है, बड़ी प्यासी, इतना घटिया क्रिकेट मैच देखने के लिए भी पहुंच गए वो, और इतनी घटिया कारकर्दगी के बावजूद पूरा क्रिकेट मैच। मैं तो कहता हूँ जिसने वो क्रिकेट मैच देखा पूरा, क्योंकि इतना घटिया मैच था, वो इतना थर्ड क्लास मैच था, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने इतना बड़ा मार्का पार किया, आपको सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए इस कौम को मुश्तरका तौर पर, क्योंकि इतना घटिया मैच पूरा देख लेना और उसके बाद खुश भी महसूस होना बहुत बड़ी बात है। मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं और उनका जिंदा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ। जी 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 जी, जरूर। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ, क्योंकि अवाम इतना घटिया मैच देखकर भी खुश है, ये भी बड़ी बात है। अगर ये अमेरिका में हो जाता तो शायद सदर को हटा देते इतना घटिया मैच दिखाने के लिए। जी सर, इसकी वजह ये है कि अवाम जो है वो हालात बेहतर देखना चाहती है, बिल्कुल अवाम सुकून चाहती है, अच्छा एनवायरनमेंट चाहती है, इंजॉयमेंट चाहती है, ताकि वो कभी उनका वीकेंड कोई ऐसे हो तो वो इंजॉय करें। लेकिन अब ये सारी सियासी जमातों का काम है कि मिलकर उस मुल्क को बेहतर बनाएं, लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर बनाएं, और एजेंसीज के हाथ भी मजबूत करें, ताकि इस मुल्क के अंदर ये सारा जो है कला कमा हो सके चीजों का। आपने बड़ा अहम जुमला बोल दिया आपने, ये सारे लेते हैं ना, लेकिन आप और मैं और आवाम क्या कह रही है, इसका सारा क्रेडिट माशाल्लाह से आर्मी को जाता है, अगर आर्मी हेल्प ना करती तो इनका इतना बड़ा इवेंट भी ना होता। चलें, इसी बात के ऊपर मैंने सलूट मार दिया, क्योंकि बावर्दी को ही सलूट मारा जाता है, जिसकी वर्दी ना हो वो फिर टीवी एंकर बन जाता है, जैसे कि आजकल मुशर्रफ साहब, आपको पता है पहले उनका पूरा दिन काम मक्खियां मारने का था, लेकिन आजकल टीवी वालों ने उनको एंकर बना दिया। खैर, इसी मौजू के ऊपर थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। हमारे एक व्यूअर हैं लाहौर से, जनाब कैप्टन उमर मियां पायलट साहब, उन्होंने पैगाम भेजा है कि अब ये PSL का सट्टा का जो पैसा है, ये अगर स्टॉक एक्सचेंज में लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि सट्टा लगा या नहीं लगा, तहम बहुत सारे लोगों का इशारा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल जो था वो इन्वेस्टेड था PSL के अंदर। मैं नहीं कहता, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो जाता है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पैसा भी काफ़ी आएगा पाकिस्तान के अंदर। ये अलहदा बात है कि दो नंबर का पैसा होगा, जुए का पैसा होगा, तो उस पैसे का क्या होगा?
ऐसे ही पूछ रहा हूँ। पैसा मैं कहता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट में लगे तो अच्छी बात है, और ये हुआ तो होगा और होता है दुनिया में, आप जितना भी कंट्रोल करें, लेकिन जो 5-10% 15% लोग होते हैं वो उनका काम होता है, वो ये करते हैं। लेकिन अगर वो पैसा यहाँ इंडस्ट्री में लग जाए, मेरा ख्याल है, या स्टॉक मार्केट में लग जाए, तो उससे बेहतरी भी आ सकती है, लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, क्योंकि आपके इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन गुज़श्ता कई सालों से बंद ही हो रही है, कोई लगने का नाम नहीं ले रही। लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव साइंस भी होते हैं, जिसको मैं अच्छा भी कहता हूँ, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री आपकी मोटर बाइक्स की काफ़ी सारी लगी हैं गुज़श्ता कई सालों में, आपके जो आईटी का सेक्टर है उसने बड़ी तरक्की की है। लेकिन जो चीज़ें अच्छी हुई हैं, अच्छा साइन है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, मगर अगर ये पैसा लगाना ही है, जो आपकी 200-400 इंडस्ट्री बंद हुई है वो वापस अगर लग जाए तो लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, मुल्क भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन वो उस सूरत में हो सकता है कि ये हर तीसरे दिन अपने मफाद देख के प्राइजेज ना बढ़ें, इंटरनेशनली अगर कोई ऐसी चीज आती है उसको इंक्रीज करें तो बेहतर है, क्योंकि एक महीने के अंदर 3 दफा पेट्रोल पे प्राइजेज बढ़ाना, अब आवाम में सकत नहीं है। और एक चीज और बता दूं, आवाम या बिजनेस कम्युनिटी बेवकूफ भी नहीं है, ये टीवी पे आकर या बैठकर या एक अपनी तरफ से बयान देना और उसके ऊपर आप देखें कि एक रिपोर्ट जारी करना कि ये बेहतरी हो गई है, लेकिन जो बेहतरी आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, उनको नजर आता है, बिजनेस कम्युनिटी को नजर आता है कि शायद सब कहना तो नहीं चाहिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव लग रही होती है, लोग कहते हैं पॉजिटिव गया, पॉजिटिव किया, माजरत के साथ पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज गया, पॉजिटिव गया। मुझे तो ये पता है कि मीडिया वालों ने तो पैसे लेकर बात को दबा दिया, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो इमेज गया वो ये गया कि जब नजम सेठी साहब तकरीर कर रहे थे उस वक्त ग्राउंड एक नारे से गूंज रहा था, और उसकी गूंज इतनी ऊंची थी कि वो बैन अल-अक़वामी सतह पर भी गई, फेसबुक पर गई, ट्विटर पे गई, इंस्टाग्राम पे गई, स्नैपचैट पर गई, और लोगों ने सिर्फ एक ही नारा सुना। मेरे ख्याल से हुकूमत को सोचना चाहिए था ये मैच कराने से पहले, अगर इमरान खान साहब की बात सुन ली जाती तो शायद इनके फ़ायदे में रहती, क्योंकि बात तो उसने अपने फ़ायदे की थी लेकिन वो इनके काम आ जाती। मेरे ख्याल से इनको बहुत नुकसान हुआ है, कल इनका इमेज बहुत ख़राब हुआ है, हुकूमत वक्त इतनी मेहनत करे, और बिल्कुल बात आपने सही की कि इसका क्रेडिट फिर लोग आर्मी को देंगे और वो फिर शायद हमारी सिविलियन हुकूमत को अच्छा ना लगे। खैर, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि एक और सवाल आपसे मैं पूछ लूँ, और वो सवाल ये है कि जनाबे वाला मुझे ये बताइए, अभी आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहे थे, कौन सा ऐसा बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जो आपको अगले 5 साल में आते हुए दिखाई दे रहा है? और प्लीज़ मुझे कुरंगी का बताइएगा, लांडी का बताइएगा, साइट का बताइएगा, मुझे ना बताइएगा कि सीपैक पे क्या हो रहा है, मुझे यहाँ बताइएगा कोई बड़ा मंसूबा आ रहा है। देखिए, सीपैक तो एक अलग इशू है, वो चल रहा है, बट कुरंगी के अंदर अभी कुछ इंडस्ट्रीज जो है लोगों ने लगानी शुरू की है अभी कुछ, और कुछ लोग एक्सपेंड भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी एक्सपेंड कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी की, नहीं, मार्केटिंग हाँ, नहीं करूंगा हाँ, लेकिन ये है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं वो नई इंडस्ट्री अपनी एक्सपेंड कर रहे हैं और 5-5, 3-3 इंडस्ट्रियों को बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अगर ये गवर्नमेंट अगर और हालात बेहतर कर ले, चीजों को बेहतर कर ले, तो मेरा ख्याल है इंडस्ट्री अब तेजी से लगेगी और ये फिर और बेहतरी हो सकती है। लेकिन लगती क्यों नहीं है, जो ज्यादा लोग खायफ है या डर रहे हैं वो कहते हैं कि 2 साल हालात बेहतर होते हैं, उसके बाद फिर 3 साल वही होते हैं, तो इस वजह से लोग फिर थोड़ा खींचे रहते हैं, पीछे रहते हैं, और आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी यही सोचती है कि फिर रुक जाती है। लेकिन अगर ये तसलसल रहे पॉलिसीज का और अच्छी पॉलिसीज रहे, ज़ाती मफाद ना हो, तो मेरा ख्याल है इंडस्ट्री और बेहतर लग सकती है अगले 5-4 सालों में। आपका बहुत शुक्रिया शायद जावेद कुरैशी साहब, आप उसको में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, जाते जाते ये ना हो कि कहीं आपको लगे कि सिर्फ कड़वा कड़वा ही बोल गया, मैं पेशावर जलमी के सारे फैंस को दिली मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। पूरे टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने बड़ी सब्र के साथ सारे मैच देखे और उनकी टीम ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जनाब सैमी साहब को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कप्तान हैं पेशावर जलमी के, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, बेशक वो हमें याद रहेंगे, उनकी ये चीज़ हमें याद रहेगी। विव रिचर्ड्स आए ज़रूर, भले उनकी टीम नहीं जीती, लेकिन विव रिचर्ड्स को मैं सलाम पेश करता हूँ। विव रिचर्ड्स जैसे क्रिकेटर कभी कभी पैदा होते दुनिया के अंदर, बेशक विव रिचर्ड्स साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। वेस्ट इंडीज़ को मैं सलाम पेश करना चाहूँगा, वेस्ट इंडीज़ की टीम के सारे खिलाड़ियों को जिन्होंने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, PSL में खेले, और सबसे अच्छी कारकर्दगी उन्हीं लोगों की रही।
خاص طور پہ پولارڈ کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا، بہترین انٹرٹینمنٹ، تمام ٹیموں کو بہت بہت مبارکباد۔ اس کے باوجود کہ میں نے اتنی ساری تنقید کی آخری کلوزنگ سیرمنی کے اوپر اور میچ کے اوپر، میں پشاور زلمی والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ٹیک کیئر آف یور سیلز، ٹیک کیئر آف پاکستان، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔